रेड बोल मेरा नाम संजीव है, मैं नगर निगम चंडीगढ़ में साइंटिस्ट सेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ। सर संजीव जी, जो आपने कार्रवाई की है अपना रेडी मार्केट के अंदर, क्या कुछ था, क्या कुछ किया आपने, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जो आज हमने कार्रवाई की है, ये हम कार्रवाई समय समय पर करते रहते हैं। आज हमने प्लास्टिक और सफाई से संबंधित कार्रवाई की। जो भी लोग हमें प्लास्टिक का प्रयोग करते पाए गए और सफाई का उल्लंघन किया जिन लोगों ने, उनके खिलाफ निगम के तहत जो भी कार्रवाई बनती है हमने उनके खिलाफ की है और लोगों को इसके प्रति जागरूक किया है कि वो अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखें और प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। आज कितने चलान किए आपने प्लास्टिक के? आज हमने 2 लोगों के चलान करे प्लास्टिक के और 3 साफ सफाई से संबंधित चलान करे। तो क्या कहना चाहेंगे आप दर्शकों को? मैं यही कहना चाहूंगा कि प्लास्टिक का कम से प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि सरकार की तरफ से 1 जुलाई 2022 से पूरे इंडिया में ये बंद हो चुकी है और इसका प्रयोग भविष्य में कभी कुछ भी ना करें, क्योंकि हमारे लिए और वातावरण के लिए हानिकारक है। और अपने आसपास जितनी हो सके साफ सफाई बनाए रखें। एशिया की सबसे बड़ी मोटर मार्केट है, मुकाम रखती है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि गंदगी तो हर टाइम रहती है, तो उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वहाँ पे लोग जब आपने चलान कार्रवाई कर रहे थे तो वहाँ लोग कह रहे थे कि यहाँ पे सफाई नहीं होती है, कुछ नहीं होती, तो क्या कहना चाहेंगे उसको लेके? बिल्कुल जी, जैसे आप कह रहे हैं कि एशिया की सबसे बड़ी मोटर मार्केट है, ये नगर निगम अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है इसको साफ सफाई के लिए और करता भी है, लेकिन जो कारीगर हैं, मिस्त्री हैं, वो अपना काम करते हैं जिसकी वजह से गंदगी फैली जाती है। लेकिन हम जब समय समय पर लोगों को अवेयर भी करते हैं कि अपने आसपास सफाई रखें, अपना काम भी करते रहें और साफ सफाई बिल्कुल बनाए रखें, और नगर निगम की तरफ से पूरा साफ सफाई का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। सर एक और मैसेज दीजिए लोगों को कि प्लास्टिक का किसका चलान काटा जाता है, किस चीज का, मतलब कि कैसे चलान काटा जाता है प्लास्टिक का, जो कौन सी प्लास्टिक पकड़ी जाएगी तो आपका चलान होगा, उसको लेके भी एक मैसेज दीजिए। जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, लिफाफे हो गए हमारे, एलडी होगी, पीपी होगी, जो भी स्ट्रो होगी प्लास्टिक की, कटलरी से होगी, इन सब का चलान किया जाता है प्लास्टिक का। और जो भी सरकार की तरफ से अप्रूव्ड है, प्रमाणित है, वो हम लोगों को कहते हैं कि ये प्रयोग कीजिए, गत्ते के कैरी बैग यूज कीजिए, अपना अखबार के या कागज के यूज कीजिए। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।